उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का चयन करने हेतु पहली समीक्षा बैठक में आगरा पहुंचे लक्ष्मी नारायण चौधरी, मंत्री दुग्ध विकास, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग उत्तर प्रदेश ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है और करती रहेगी। राम मंदिर निर्माण हेतु विधेयक लाने का कोई सवाल ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आज भारतवर्ष की पूरी जनता भगवान श्री राम जो भारत जिनकी वजह से भारतवर्ष की पहचान है मंदिर बनाना चाहती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी मंदिर बनाने के पक्ष में हैं, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, चाहे उसमें व्यवस्थापका हो चाहे कोई सरकार हो, सभी को जनमत का आदर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो पूर्णतः पालन सरकार कर ही रही है, उसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। तो इसमें कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और वही हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, के आदेश के बावजूद के आने के बाद ही मंदिर निर्माण होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो तो जनमत का आदर करना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में आगरा आई पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार उमा भारती ने सपा बसपा गठबंधन पर कहा कि बसपा प्रमुख मायावती राजनीति चक्रव्यूह में फंसने जा रही है, लेकिन उमा भारती मायावती को बचाएंगे। साध्वी उमा भारती का बसपा प्रमुख मायावती के लिए दिया गया बयान बहुत कुछ कह गया, लेकिन राम मंदिर निर्माण विधेयक पर चुप्पी साध गई। केंद्र सरकार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई में डिले की उसका कारण है कि बहुत व्यग्रता आई देश के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिले करके गलती की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम भगवान की गद्दी मानते हैं, उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके पास में कई बातें ऐसी होंगी जिसके कारण उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन उसी का परिणाम निकला कि देश में व्यग्रता आई और लोग भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्दी देखना चाहते हैं। उस दृष्टि से केंद्र सरकार का ये जो कदम है इसका बहुत बहुत अभिनंदन किया जाना चाहिए और हम यकीन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि इसकी सुनवाई में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन की बात तो देखिए, गठबंधन तब सफल होता है जब वो किसी सिद्धांत पर होता है, किसी नीति पर होता है, और गठबंधन का जो अभी का जो गठबंधन है इसका जो अतीत का जो स्वरूप है वो बहुत दुखद रहा है। और इसलिए मैं तो दूसरी चिंता मुझे लगी है कि अब मायावती पर संकट आएगा तो कौन बचाएगा। तो आप लोग मायावती को मेरा मोबाइल नंबर दे देना, तो जैसे ही उनको परेशानी हो मुझे तुरंत बुला ले, मैं उनको बचाने के लिए आ जाऊंगी। इसका यही परिणाम फिर निकलना। बहरहाल यह तय हो गया है कि संतों की धर्मसभा और राम भक्तों की भावनाओं से भाजपा को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जनता सोच रही है कि SC/ST एक्ट, 3 तलाक और 10% सवर्णों का आरक्षण के लिए विधेयक पारित हो सकता है तो भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विधेयक क्यों नहीं। 7A न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।